स्वागत है दोस्तों, यह है वीडियोस वर्ल्ड और आप देख रहे हैं ईटैप 2015 वीडियो सीरीज। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम किसी प्लान के लिए अपनी ग्रिड को डिजाइन करते हैं, उसके बाद हम उस ग्रिड पर अपने प्लान के अकॉर्डिंग बीम और कॉलम ड्रॉ करते हैं। आज हम थोड़ा सा उससे थोड़ा सा अब ऊपर का लेवल पे चलेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल पे चलेंगे और थोड़ा और अंदर तक डिटेल में जानेंगे उस चीज़ को। तो जैसे कि देख रहे हो आप, मेरे पास ये प्लान है। अब अगर मेरे को इस प्लान को ड्रॉ करना है, इस प्लान के जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले हमें ग्रिड डिफाइन करनी होगी। तो ग्रिड डिफाइन पहले के लिए हमें सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो प्लान होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई। ई टैब में ये होता है आपका x और ये होता है y। तो आप देख सकते हैं, अगर हमें इसके लिए ग्रिड बनानी है, यानी कि x डायरेक्शन में लाइन डिसाइड कर रहे हैं हम इसके लिए, नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी। तो देखिए, एक लाइन ये होगी आपकी, एक ग्रिड लाइन ये होगी और एक ग्रिड लाइन ये होगी। बिकॉज अगर यहाँ ग्रिड लाइन नहीं होगी और ये ग्रिड लाइन नहीं बनाऊंगा तो यहाँ पर हम जॉइंट नहीं बना पाएंगे यहाँ पर, और ये मेंबर नहीं हम ड्रॉ कर पाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पर भी एक ग्रिड बनानी होगी, हर इंटरसेक्शन पे, हर जॉइंट पे हमें एक ग्रिड लाइन बनानी होगी। ये ग्रिड लाइंस एंड दिस, ये है आपकी ग्रिड लाइन इन एक्स डायरेक्शन। अच्छा, काउंट कर लेते हैं कितनी लाइन्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ग्रिड लाइन मीन्स हाउ मैनी स्पैन, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पैन है और ईच स्पैन है 3 मीटर स्पेसिंग। तो ये तो यूनिफॉर्म ग्रिड होगा एक्स डायरेक्शन में, 9 लाइन्स हैं, 8 स्पैन्स हैं और ईच स्पैन 3 मीटर का। ओके, अब देखते हैं वाई डायरेक्शन में, दूसरा कलर ले लेते हैं वाई डायरेक्शन के लिए। तो देखिए, वाई डायरेक्शन के लिए एक ग्रिड ये होगी, एक ग्रिड ये होगी आपकी, एक ग्रिड ये होगी, एक ग्रिड ये होगी और एक ये ग्रिड होगी। तो नंबर ऑफ स्पैन 1 2 3 4, नंबर ऑफ लाइन 5, ईच स्पेसिंग 5 मीटर, क्योंकि आपकी ये स्पेसिंग जो है 5 मीटर की है। दिस 5 मीटर। ओके, तो पहले हम ग्रिड डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं गया न्यू मॉडल, यूनिट मैट्रिक इंडियन कोड, देन ग्रिड। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा प्लान जो है यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग से ही बन सकता है, सही बन जाएगा, तो हमें कस्टम पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो देखते हैं एक्स नंबर ऑफ लाइन इन एक्स डायरेक्शन कितनी थी, 9, इन वाई डायरेक्शन 5, और स्पेसिंग इन एक्स 3 मीटर थी हमारी, स्पेसिंग इन वाई 5 मीटर थी। ओके, अभी हम स्टोरेज की बात करें, अभी प्लान की बात करें, तो स्टोरेज जो डिफॉल्ट है आपको वही रहने देते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए, आपकी ये ग्रिड बन गई, हमारी जो ग्रिड बनी है इसी टाइप की बनी है। इसका जरा हम पहले वाला स्ट्रक्चर ले ले देख लेते हैं। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के लिए हमने ग्रिड डिजाइन, ग्रिड लाइंस डिफाइन कर ली हैं। अब हमें ड्रॉ करना है ये स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीम और कॉलम की प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले मटेरियल डिफाइन करेंगे, फिर क्रॉस सेक्शन डिफाइन करेंगे बीम और मटेरियल का, उसके बाद हम बीम और कॉलम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से डिफाइन में जाते हैं, मटेरियल ऐड न्यू मटेरियल इंडियन ले लेते हैं हम, इंडियन में कंक्रीट एंड एनी M20 ग्रेड। ओके, टाइटल M20, सारे डाटा हम ऐसे रहने देते हैं। हम आगे जाके फ्यूचर में इन हर एक टूल्स के बारे में अंदर डिटेल में, ये टैब किस काम आते हैं, सबके बारे में जानेंगे। अभी फिलहाल यहीं ओके कर देते हैं। ये लिस्ट में आपके देखिए M20 आ चुका है। ओके, नाउ डिफाइन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स क्रॉस सेक्शन। तो डिफाइन में हम गए सेक्शन प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शन, बीम कॉलम को फ्रेम सेक्शन बोलते हैं ये टैब में, क्या एड न्यू रेक्टेंगल ले लेते हैं हम, इसको डाल देते हैं हम टाइटल इसका बीम, M20 सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने डिफाइन किया था, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 600 बाय
300, ये है हमारा बीम, देन ओके। इसी तरह हम डिफाइन कर लेते हैं कॉलम, M20 एंड 700x700 कॉलम। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें और जो टैब आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम बाद में डिटेल में जानेंगे, अभी ये इनको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम ग्रिड की और मॉडलिंग की बात कर रहे हैं। जब हम एनालिसिस की और डिज़ाइन की बात करेंगे तब हम इन स्टेप्स को सबको जानेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे एक कॉलम आ गया और एक बीम आ गया, मेरे से स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो गई, इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ स्पेलिंग, बीम ओके ओके। तो स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। जैसे कि लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पे हमें करना होगा ऑल स्टोरी, वरना केवल एक ही स्टोरी ड्रॉ होगा, ऑल स्टोरी। और यहाँ पे हमने बीम लिया और यहाँ पे हमने ये ड्रॉ कर दिया। सॉरी, ड्रॉ करने से पहले आपको यहाँ पे अपने बीम का प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी होगी, बीम। अब आपको ड्रॉ करना है, तो देखिए ये ऐसे है हमारा स्ट्रक्चर, आप एक बार प्लान देख सकते हैं। और फिर हमारा स्ट्रक्चर ऐसे है, और फिर ऐसे है, और फिर ऐसे है, तो ये उसी शेप में हमने डिज़ाइन कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है। लेकिन थोड़े से चेंजेस, कि ये बीम हमारा नहीं है, ये बीम नहीं है, ये बीम नहीं है, और ये बीम नहीं है, इनको डिलीट कर देते हैं। सिंपल मैंने कि माउस से क्लिक किया और यहाँ पे ऑल स्टोर है, तो नीचे तक सारे बीम सेलेक्ट हो गए और मैंने कीबोर्ड से डिलीट कर दिया। फिर हमारा ये बीम नहीं है, ये बीम नहीं है, और ये बीम नहीं है, और ये हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद ये और ये डिलीट और ये डिलीट, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं हम, जिससे हमारी ग्रिड हाइट हो जाती है। अब देखिए आपका स्ट्रक्चर बन चुका है। कंट्रोल डी से वापस आ जाते हैं और कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। कॉलम जैसे कि हमने कॉलम ले लिया और हमने यहाँ से कॉलम ड्रॉ कर दिए। अब देखिए मैंने सिंपली कॉलम लिया और ड्रैग कर दिया, सभी जगह कॉलम बन गया, बट सभी जगह कॉलम नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट एंड डिलीट, सेलेक्ट एंड डिलीट एक्स्ट्रा कॉलम्स। ओके, एक चीज़ और आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी मुझसे मिस्टेक हुई है। देखिए जब मैं कॉलम डिलीट कर रहा था तो मैं सेलेक्ट कर रहा था कॉलम, तो मैं सेलेक्ट किस तरीके से कर रहा था, मैंने ऐसे क्लिक करके ऐसे मैं राइट लेफ्ट की ओर ड्रैग कर रहा हूँ, ऐसे लेफ्ट की ओर। जब मैं ऐसे लेफ्ट की ओर ड्रैग करूँगा तो अगर मेरे इस ड्रैगिंग एरिया में कोई एलिमेंट टच भी होगा तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो बीम है आधा आ रहा है और ये पूरा बीम सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से जब मैंने कॉलम सेलेक्ट किया तो मेरे बीम टच हो रहे थे, वो बीम भी सिलेक्ट हो गए, वे भी डिलीट हो गए। लेकिन अगर आप ड्रैग करेंगे, क्लिक करके राइट की ओर जाएंगे, तो केवल वही सिलेक्ट होगी जो आपके ड्रैगिंग एरिया में कंप्लीटली आ जाएगी। ये देखिए अब ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर हम मैं यहाँ से देखिए, यहाँ इसमें कॉलम भी आ रहा है और बीम भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें सिलेक्ट होंगे केवल कॉलम्स, क्योंकि बीम आधा आ रहा है इस तरह से। तो मैं ऐसे ड्रैग करके डिलीट कर देता हूँ एक्स्ट्रा कॉलम। पहले मैं ऐसे इधर को ड्रैग कर रहा था, डिलीट कर रहा था, तो बीम भी डिलीट होते वाले। अब मैं को ऐसे करूंगा मैं, तो केवल कॉलम डिलीट होंगे। ग्रिड को हम क्लोज कर देते हैं और ये आपके स्ट्रक्चर बन चुका है। अगर हम इसे 3D व्यू में देखें तो हम व्यू में गए, उसके बाद शो रेंडर, और ये आपका आ गया रेंडर। अच्छा, लास्ट वीडियो में इतना डिस्कस कर चुके थे, अब आगे चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा यूनिट डिफाइन, सेकेंड स्टेप होता है हमारा ग्रिड डिफाइन, थर्ड स्टेप होता है हमारा मटेरियल,
फोर्थ सेक्शन प्रॉपर्टी और फिफ्थ होता है हमारा सपोर्ट सिस्टम। तो देखिए सपोर्ट कैसे लगाएंगे, इस स्ट्रक्चर में हमें सपोर्ट लगानी है बेस पर। तो हम क्या करें, हमने प्लान पे क्लिक किया और हम गए बेस पर। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा बेस दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही मैं बेस के जॉइंट ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगा होगा क्या, ऊपर तक सारे जॉइंट सिलेक्ट हो गए क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑल स्टोरी ऑप्शन ऑन है, एक्टिव है। तो मैंने वन स्टोरी करा, स्कैप बटन दबा के डी सेलेक्ट किए, दोबारा ड्रैग करके सिलेक्ट किए। अब देखिए केवल बेस के नोट्स सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी असाइन करने के लिए आपको यहाँ असाइन में जाना है, असाइन के लिए जॉइंट्स, जॉइंट में रिस्ट्रेन, और रिस्ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो आपकी चार सपोर्ट आ जाएंगी। फर्स्ट फिक्स, देखिए जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो छह रिएक्शन होती हैं 3D। आप सबको पता है कि फिक्स सपोर्ट पे 6 रिएक्शन डेवलप होती हैं 3D के केस में, तो देखो 6 रिएक्शन डेवलप हो रही है। जैसे ही मैं करता हूँ पिन तो 3, रोलर करता हूँ तो 1 और हिंज करता हूँ तो 3। तो फिक्स सपोर्ट लगाते हैं, ओके करते हैं और देखिए यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लग गई है। थोड़ा सा जूम आउट इन करेंगे तो आपको ये फिक्स सपोर्ट का सिंबल इस तरह से दिखाई देगा, जिस तरह से दो रेक्टेंगल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो अभी तक हम इसमें सेक्शन देख चुके हैं, सपोर्ट लगा चुके हैं। अब थोड़ा सा व्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इस प्लान पे जाते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट ये आपका मॉडल एक्सप्लोरर है, यहाँ पे किसी प्रॉपर्टी में जा सकते हैं आपके, जो भी आपने असाइन किए लोड दिया है, रिजल्ट आउटपुट चेक कर सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम सबसे पहले देखते हैं ये क्या दिया हुआ है। ये है हमारी प्लान विंडो और ये है हमारी 3D विंडो। आप प्लान विंडो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ब्लू कलर की स्ट्रिप हो जाती है, ये एक्टिव हो गई। इस पर क्लिक किया तो 3D की ब्लू स्ट्रिक हो जाती है, ये एक्टिव हो गई। अब मैं जिस पर क्लिक करूँगा काम उसी पर होगा, अगर मैं इस पर क्लिक करेंगे इस पर यहाँ पर 3D पर क्लिक करूँगा तो ये भी 3D बन जाएगी। यहाँ पे प्लान पे क्लिक करूँगा तो ये प्लान बन जाएगी और यहाँ पे एलिवेशन पे क्लिक करूँगा तो ये एलिवेशन बन जाएगी। ओके, और हमें एक और विंडो ऐड करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके ऐड न्यू विंडो, ये हो गई। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ प्लान आए तो यहाँ पे प्लान। तो आपको जिस विंडो में काम करना है पहले उस पर क्लिक करना होगा। ओके, इसे क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट, अब इनको जानते हैं। देखिए तो है आपका 3D व्यू, इससे आपका स्ट्रक्चर 3D में दिखाई देता है। इसके बाद आपका प्लान, अगर मैं प्लान पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जितने हमारे स्टोरी होंगे उतने यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने बेस पे क्लिक किया क्या, तो केवल यहाँ बेस दिखाई दे रहा है। और देखिए माउस यहाँ ले आ रहा हूँ तो दूसरी 3D विंडो में ब्लू कलर का प्लेन है, वो भी आपका बेस पे है। और मैं अगर जाता हूँ थर्ड फ्लोर पे, ओके, तो ये हमारा थर्ड फ्लोर है। इसी तरह एलिवेशन में जाता हूँ, एलिवेशन को ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एलिवेशन पे जाता हूँ तो इसमें आता ऑप्शन ABCD और 1 2 3। जैसे कि मैंने बताया था प्लान की ग्रिड होती है, एक्स डायरेक्शन में ABCD है और वाई डायरेक्शन में 1 2 3। अगर मैं ए पे क्लिक करता हूँ तो जो हमारा एलिवेशन व्यू होगा वो ये होगा, ये वाला। और यहाँ पे कितने कॉलम है, केवल 2 कॉलम, तो शायद हमें 2 कॉलम दिखाई देंगे। ओके किया, ये देखा 2 कॉलम। दोबारा प्लान पे जाते हैं, ओके, और दोबारा एलिवेशन। अच्छा, बी पे देखिए, अगर बी पे हम इसको कट करें तो एलिवेशन ऐसे दिखाई देगा, यानी केवल 1 कॉलम दिखाई देगा। करके देखते हैं, देखिए केवल 1 कॉलम दिखाई दे रहा है। प्लान पे जाते हैं, अगर हम एलिवेशन में देखें एफ, तो देखिए एफ पे हमारा 1 ही कॉलम है, ये वाला। और अगर हम ई पे देखेंगे तो ई पे हमारे 4 कॉलम है, यानी कि ये व्यू दिखा रहा है यहाँ से कट करके बिल्डिंग का, ये देखिए। द्वारा प्लान ए और एलिवेशन 1 2 3 में सेम। इस डायरेक्शन में अगर मैं करता हूँ आपका 5, तो आपको ये वाला फ्रंट व्यू दिखाई देगा बिल्डिंग का, ये वाला। तो करके देखते हैं, ओके, ये आ गया। तो ये आपके व्यूज हैं, 3D व्यू, प्लान व्यू और एलिवेशन। जब आप प्लान पे रहते हैं तो आप यहाँ पे जो 2 एरो दिखाई दे रहे हैं इनसे अप डाउन से भी फ्लोर्स पे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका देखिए एक है रबर बैंड जूम, क्लिक करके अगर आप ड्रैग करेंगे तो वहाँ से जूम हो जाएगा। ये है आपका वापस आने के लिए और ये है आपका डिफ़ॉल्ट जूम आने के लिए। इससे आप प्लस पर करेंगे जूम होता जाएगा, माइनस पर करेंगे जूम घटता जाएगा। ये हैंड टूल है, इस पर क्लिक करके स्ट्रक्चर को इधर उधर मूव करा सकते हो।
उसके बाद 3D में आपको बता चुका हूँ, प्लान आपको बता चुका हूँ, एलिवेशन बता चुका हूँ मैं आपको। और जैसे ही आप 3D पे क्लिक करोगे तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा रोटेट, इससे आपका रोटेट होगा। थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग होती है इसकी रोटेट की, आप एरो से भी रोटेट कर सकते हो, ठीक है। और ये होता है आपका पर्सपेक्टिव व्यू, इस पर क्लिक करोगे तो आपका पर्सपेक्टिव व्यू होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक के जो टूल हैं, यहाँ से यहाँ तक के आप जान चुके हैं, बहुत बेसिक और इजी टूल है यहाँ तक। इसके बाद हम आगे ये सारे टूल की बात करेंगे, फिर इनकी बात करेंगे। तो थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको किस टाइप की और कौन से सॉफ्टवेयर की वीडियो चाहिए, और उसमें आप कौन सा किस टाइप के एनालिसिस या डिज़ाइन करना चाहते हो वो आप लिखिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे उस टाइप की वीडियो मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू।